एपिसोड 207, अ ब्यूटीफुल शो ऑफ लव। डर के मारे विधि का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था और वो जमीन पर पड़ी हुई उस टूटी हुई ऑयल पेंटिंग को देख रही थी। उसने फोन के दूसरी तरफ की आवाज नहीं सुनी, इसलिए उसने धीरे से पूछा, ये सब किसने किया है? मोहित पहले तो कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, ये मेरा भाई था। चिंता मत करो विदुषी, मैं तुम्हारी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए तुम्हारी सिक्योरिटी बढ़ाऊंगा। जहाँ भी तुम्हें जाना होगा मैं तुम्हें पर्सनली ड्राइव करके ले जाऊंगा। शायद मेरे भाई का तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, शायद वो सिर्फ तुम्हें डराना चाहता है। डराना चाहता है? ये वाकई में बहुत डरावना था। फैंटम का सॉफ्ट और प्लीजिंग एक्सप्रेशन विधि के दिमाग में कलरफुल सांप की तरह दिखाई दे रहा था। मोहित ने अपनी बातों से उसे थोड़ा दिलासा देने की कोशिश तो की थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी काफी परेशान था। उसके इस राक्षस जैसे भाई ने आज बिल्कुल पागलों जैसी हरकत की है, और वैसे भी कौन जाने कि उसका अगला कदम क्या हो सकता है। हो सकता है कि वो उसे सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसने सिर्फ एक या दो लोगों को ही नहीं मारा था। विदुषी को मारने से उसके लिस्ट में कोई खास एडिशन नहीं हो सकता था। मोहित के चेहरे का एक्सप्रेशन और भी ज्यादा गहरा हो गया था। उसके दिलासा देने के बाद विधि थोड़ा राहत महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि फैंटम एक खतरनाक आदमी है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो आंखें बंद करके मोहित के ऊपर इतना विश्वास क्यों कर रही है। मोहित ने कहा कि वो ठीक रहेगी तो क्या, इसलिए वो ठीक ही रहेगी। आने वाले दिनों में वो हमेशा की तरह म्यूजिक इन द वैली फेस्टिवल की साइट पर पहुंच गई और अपनी परफॉर्मेंस देती रही। मोहित को जो सोशल एक्टिविटीज अटेंड करनी थी उनमें से उसने ज्यादातर एक्टिविटीज को अटेंड करने से मना कर दिया था, और हमेशा विधि के साथ रहकर हमेशा ये इंश्योर करने में लगा रहता कि विधि हमेशा ठीक रहे और अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड रहे। म्यूजिक इन द वैली फेस्टिवल की आखिरी रात विधि फोर्थ प्लेस पर रही और सभी न्यू कमर्स में से उसका स्कोर सबसे ज्यादा था। स्टेज के पीछे, कांग्रेचुलेशंस विदुषी, प्रिया उसे देखते ही उसकी तरफ लपकी और उसे बड़े जोर शोर से अपने गले से लगा लिया। रोहन, शिव, सत्या और उत्कर्ष थे और भी बहुत सारे लोगों ने विदुषी को घेर लिया और बधाई दी। मोहित ने भी उसे लिली का एक गुलदस्ता दिया, उसे अपने गले से लगाया और फिर किस करते हुए कहा, यू आर द बेस्ट। प्यार का एक और पब्लिक डिस्प्ले। भीड़ में से कई लोग उसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस पूरे समय के दौरान इस कपल ने कई बार अपने प्यार को पब्लिक के सामने डिस्प्ले किया था, जिससे जो अकेले थे, दुखी थे और सीक्रेट रिलेशन में थे उन सभी ने जेलसी महसूस की। हर कोई उनके रिश्ते से जल रहा था, लेकिन मोहित बहुत खुश था और पूरी बत्तीसी दिखाकर मुस्कुरा रहा था। मुझे विदुषी को पैम्पर करना अच्छा लगता है, अगर मैंने उसे स्पॉइल कर दिया तो उसमें क्या हुआ? उसके चेहरे पर जरा सा भी गिल्ट नहीं था और कई लोग इस तरह सीधे उनके तरफ देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। शुरुआत में उनके रिलेशनशिप के बारे में सभी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव की ओपिनियन अलग अलग थी। कुछ लोगों ने तो विदुषी को ये कहकर क्रिटिसाइज भी किया कि जब उसने डेब्यू किया तब वो बहुत घमंडी थी, लेकिन मोहित ने इस बात को तुरंत दबा दिया था। इसके अलावा वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर सभी एंटरटेनमेंट साइट्स ने ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। उन्होंने साथ साथ कहाँ पर खाना खाया, वो एक साथ कहाँ पर गए, और बिग बॉस भाटिया ने अपनी प्यारी छोटी सी गर्लफ्रेंड के लिए कार का दरवाजा कैसे खोला, वगैरह वगैरह। अपने चेहरे के सामने लिली के उस बड़े से गुलदस्ते को अपने हाथों में थामे हुए विधि मोहित के बाहों में खुशी से मुस्कुरा रही थी। जिन रिपोर्टर्स से विजिटिंग लाइसेंस लिए हुए थे उन्होंने पागलों की तरह उनकी तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। एक हैंडसम लड़का और एक खूबसूरत लड़की की ये जोड़ी बहुत ही आई कैचिंग थी, उनकी फेस वैल्यू से लेकर उनके स्टेटस तक। मीडिया को इस साल के आखिर तक के लिए कई आर्टिकल लिखने के लिए काफी मटेरियल मिल चुका था। विधि की नर्म और पतली कमर पर हाथ रखकर मोहित बड़े शान के साथ विधि को टीवी स्टेशन से बाहर लेकर चला गया। जब वो बर्फ से भरे एक छोटे से रास्ते पर चल रहे थे तब मोहित ने विधि को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लॉन्ग कोट का इस्तेमाल किया। वहां से बहुत दूर एक ऊंची बिल्डिंग में फैंटम ने अपनी स्नाइपर राइफल नीचे रख दी और बड़े बड़े घूंट लेकर रेड वाइन पीने लगा। उसके आसपास कई खूबसूरत लड़कियां थी जो उसको सर्व करते हुए डर से कांप रही थी। भाई, उसे प्रोटेक्ट करने में आप तो सचमुच दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हो, अपने आप से बात करते हुए उसके मुंह पर एक खतरनाक मुस्कुराहट दिखाई दी।
शूट करने की सबसे अच्छी पोजीशन को ब्लॉक करने के लिए आपने तो अपने शरीर को ही ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मोहित भाई, क्या ये छोटी सी लड़की आपके लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या वो आपकी अपनी जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? उसने अपनी स्नाइपर राइफल के टारगेट को बड़े प्यार से एडजस्ट किया और अपने एविंग डिवाइस के थ्रू उस कपल को और भी करीब से देखा। इस एंगल से मोहित ने अपने शरीर का इस्तेमाल करके विधि को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा था और उसे शूट करने के लिए उनके बीच जरा सी भी जगह नहीं दिखाई दे रही थी। मुझे अभी भी लगता है कि तुम मेरे साथ जुआ खेल रहे हो। फैंटम और भी ज्यादा खुश होकर मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ? मोहित ने विधि को अपार्टमेंट में वापस भेज दिया, उसे सी ऑफ किया और फिर वो अपने अपार्टमेंट के अंदर चला गया जो उसके घर के बगल में ही था। सुचित्रा ने उसके अपार्टमेंट में अंदर जाने से पहले दरवाजा खटखटाया। मोहित सर, आज बॉडीगार्ड्स ने रास्ते में 3 और टॉय बम्स को डिसमेंटल कर दिया है। वो सभी फैंटम सर के रखे हुए बम थे। 5th कम्युनिकेशन ग्रुप का सिग्नल भी डिस्टर्ब हो गया है। जब आप मिस शर्मा को टीवी स्टेशन से बाहर निकाल रहे थे तब वो चैनल से नहीं जुड़ पा रहे थे। इसका मतलब था कि अगर फैंटम कुछ करना चाहता था तो कोई भी मोहित को इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकता था। ये सब फैंटम के तरीके थे। वो विधि को मारना नहीं चाहता था और उसे चोट भी नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो हर पल मोहित को वार्निंग देना चाहता था कि वो ऐसा कर सकता है। उसके सामने मोहित उसका छोटा भाई होने के नाते हमेशा से काफी कमजोर था। मोहित और उसकी गर्लफ्रेंड फैंटम के जाल में फंस चुके थे। कुछ समय के लिए वो कुछ ऐसा भी नहीं करने वाला था और उसकी वजह सिर्फ एक ही थी कि अभी उसका मूड काफी अच्छा है। इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। मोहित ने एक सिगरेट जला ली। बुझी हुई आग और धुएं ने उसके गर्व से भरे चेहरे को रिफ्लेक्ट किया। नया साल आ रहा है, मोहित ने कहा। सुचित्रा चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि मोहित ने अचानक इस बात का जिक्र क्यों किया, लेकिन उसने भी काफी इज्जत के साथ जवाब दिया। हाँ, गुड़ी पड़वा के लिए अभी भी 15 दिन बाकी है। थोड़ी तैयारियां कर लो। इस साल मैं विदुषी को अपने घर लेकर जाऊंगा, मोहित ने कुछ सोचते हुए कहा। मोहित सर, इंटरेस्ट ना होने और अपने चेहरे पर शांति के एक्सप्रेशन के बावजूद भी इस समय सुचित्रा शॉक में आ गई थी। वो खुद को अपनी आंखें बड़ी करने से नहीं रोक सकी थी। आप मिस शर्मा को अपने साथ भाटियाज के हेडक्वार्टर में लेकर जाना चाहते हैं? उसने मोहित को शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा, जैसे उसे उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। ये तय करने के बाद मोहित और भी ज्यादा रिलैक्स हो गया और बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगा था। हाँ, मैं उसे अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। वो अभी या फिर बाद में मुझसे ही शादी करेगी। उसके लिए पहले से ही मेरे परिवार के साथ जान पहचान बना लेना और उनके साथ घुल मिल जाना कोई बुरी बात नहीं है। ये जानते हुए भी कि फैंटम ने विदुषी को अपना शिकार बनाने की कोशिश की है और उस पर लालची निगाहें डाली है, उसने अपने बड़े भाई की थॉट प्रोसेस के करप्ट नेचर के बारे में काफी सोच विचार किया, क्योंकि वो जानता था कि फैंटम और क्या क्या कर सकता है। मोहित विदुषी की सिक्योरिटी को हल्के में नहीं ले सकता था। वो विदुषी को सिर्फ अपने दादाजी से मिलवाने और उनकी एक्नॉलेजमेंट हासिल करने के लिए अपनी फैमिली के हेडक्वार्टर लेकर जा सकता था। उसके बाद अगर किसी ने भी विदुषी पर हाथ डालने की हिम्मत की तो उसे दोबारा सोचना होगा। लेकिन सुचित्रा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। मोहित उस लड़की को अपनी फैमिली हेडक्वार्टर्स में कैसे लेकर जा सकता है जिसे वो सिर्फ 1 साल पहले से ही जानता था? उसे पता होना चाहिए कि भाटिया फैमिली ट्रॉयड में भी शामिल है। फैमिली हेडक्वार्टर्स वहाँ से काफी ज्यादा दूर सबसे ज्यादा सेफ लोकेशन पर था। फैमिली हेडक्वार्टर्स में तब तक कोई अंदर नहीं जा सकता था जब तक कि उनके घर के अंदर आने की कोशिश करने वाले इंसान पर उन्हें अपनी जिंदगी जितना भरोसा ना हो जाए, वरना कोई भी उनके घर में आने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। इतने सालों में भाटिया फैमिली के बच्चों और बाहरी लोगों के बीच कई रोमांस हुए थे, लेकिन उनमें से 3 से ज्यादा लोग फैमिली हेडक्वार्टर्स में कभी भी एंटर करने के काबिल नहीं बन पाए थे। मोहित सर, क्या ये बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है? सुचित्रा ने उसे कुछ समझाने की कोशिश की, चुपचाप से उसे वार्निंग दी। पहले आपने मुझसे मिस शर्मा का बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहा था और आप जानते हैं कि उसका बैकग्राउंड एकदम साफ सुथरा है, लेकिन वो जो कुछ भी आपसे छिपा रही है वो उससे पूरी तरह अपोजिट है। अब तक तो हम ये भी नहीं जानते कि आरव कपूर के साथ उसका रिश्ता क्या है। हम तो अभी तक डॉक्टर दानिश की उस डायग्नोसिस के बारे में भी कंफ्यूजन में ही है, इसलिए हम इस बारे में भी कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं कि उसने किस तरह के सीरियस प्रोवोकेशन को एक्सपीरियंस किया था।
उसके आसपास शक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। क्या उसके जैसे डाउटफुल बैकग्राउंड वाले इंसान के लिए हेडक्वार्टर में एंटर करना सही होगा? जब मैं कहता हूँ कि वो सूटेबल है तो वो सूटेबल है। मोहित की आवाज काफी धीमी थी लेकिन उसमें काफी ताकत और इन्फ्लुएंस भरा हुआ था।